इंडियन रेलवे लोको पायलट में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि जब से यह असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई थी तब से सभी लोगों की शिकायत थी कि वैकेंसीज कम हैं, और वास्तव में वैकेंसीज कम हैं क्योंकि कई सालों के बाद, लगभग 5 सालों के बाद यह वैकेंसीज आई हैं, और इतने सालों के बाद आने के बाद भी यह वैकेंसीज, उम्मीद लगाई जा रही थी कि 20 से 25 हज़ार के आसपास मिनिमम वैकेंसी 20 से 25 हज़ार होने की इसके चांसेस हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर केवल 5,696 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, सारे लोगों के चेहरे उतर गए। तो उसी संबंध में यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि यह जो आपकी निराशा है, यह बहुत ही अच्छी उम्मीद के साथ में यह वैकेंसीज बढ़ गई, यानी कि जो वैकेंसीज आपकी हो गई हैं यह 18,000 प्लस वैकेंसी हो गई हैं। और इस संबंध में मैं आपको एक नोटिस दिखाने वाला हूं, तो जल्दी ये देखते हैं नोटिस में और किस जोन में कितनी वैकेंसीज बढ़ी हैं यह भी देखेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन क्लिक पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को सभी तरह की टाइम टू टाइम अपडेट, सभी तरह की वैकेंसी से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहें। तो साथियों, यहाँ पर एक नोटिस मिला है और आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस जारी किया गया है यह भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और यह जो नोटिफिकेशन है यह 18 जून 2024 को जारी किया गया है। और इसमें क्या नोटिस में बताया गया, इसका हम सब्जेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो सभी जनरल मैनेजर हैं, जो सभी रेलवे के जोन्स के जनरल मैनेजर हैं, उनको सब्जेक्ट में यह क्या बताया गया है, इन्हेंसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ ALP नोटिफाइड वाइड CEN नंबर 01/2024 एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवेज। यानी कि यह जो सब्जेक्ट है, क्या है कि जनरल मैनेजर्स के लिए यह नोटिफिकेशन दिया गया है कि सभी जोनल के जो हेडक्वार्टर्स हैं या सभी जोन के जो वैकेंसीज हैं, वह CEN 1/2024 यानी कि जो कि लोको पायलट के वैकेंसी का यह एडवर्टाइजमेंट नंबर था, उसके संदर्भ में वैकेंसी को बढ़ाने की मांग की गई है और इसकी डिमांड सभी जोनल रेलवे से प्राप्त की गई है। डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे, ठीक है। तो इसके लिए क्या यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए, इंस्ट्रक्शंस वर इशूड बाई बोर्ड लेटर्स ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 15 दिसंबर 2024 एंड 2 जनवरी 2024, जिसमें यह जो वैकेंसीज थी 5,696 वैकेंसीज थी, इसके द्वारा ऑन रिसिप्ट ऑफ एडिशनल डिमांड, यानी कि जो एक्स्ट्रा वैकेंसीज ऐड करने की इसमें जो डिमांड की गई है, इसको एग्जामिन करके अप्रूव डिसाइडेड विद द अप्रूव, यानी कि इसको अप्रूवल देने का निर्णय लिया जा चुका है, अथॉरिटी टू इन्हेंस LP वैकेंसीज, और यहाँ पर वैकेंसीज को इन्हेंस कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है। तो किस जोन में कितनी वैकेंसी बढ़ी है वह आप देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए कितनी टोटल वैकेंसी हो गई है। टोटल वैकेंसी 5,696 वैकेंसी थी और अब बढ़कर 18,799 वैकेंसी हो गई है, और अभी भी यह एक बार बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन हालांकि अब जो उम्मीद है वह केवल 25% बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर बताई जा रही है। तो देखते हैं कि जो सेंट्रल रेलवे यानी कि मध्य रेलवे में वैकेंसीज पहले कितना थी, वह 535 थी, लेकिन बढ़ने के बाद कितना हो गई है, इन्हेंस वैकेंसीज, वैकेंसी अप्रूव्ड बाई, यानी कि जो वैकेंसी बढ़ाई जाएगी वह कितना हो जाएगी, 1783 वैकेंसी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगी, 17,522 और लगभग 2300 कुछ वैकेंसीज हो जाएंगी, ठीक है। तो यह कितनी वैकेंसी बढ़ाई जाएगी वह है, ना कि बढ़ी हुई वैकेंसी, कितनी बढ़ाई जाएगी, तो 535 में 1783 वैकेंसी प्लस की जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ईस्ट सेंट्रल रेलवे में पहले कितना थी, 76 वैकेंसी थी और अब 76 वैकेंसी और कर दी जाएगी। अगला है ईस्ट कोस्ट रेलवे, जिसमें 479 वैकेंसी थी और उसमें 1595 वैकेंसी और ऐड की जाएंगी। इसी तरह से ईस्टर्न रेलवे में 415 थी, जिसमें 1382 ऐड की जाएगी। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में 241 वैकेंसी थी, जिसमें 802 वैकेंसी और ऐड की जानी है। नॉर्थ से ईस्टर्न रेलवे में 43 वैकेंसी थी, जिसमें 100 वैकेंसी ऐड करके 143 इसको बनाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में 129 वैकेंसी थी, जो कि अब बढ़कर 428 वैकेंसी हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद है नॉर्दर्न रेलवे में 150 वैकेंसी थी, जो कि 499 बढ़ी है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 228 थी, जो कि 761 हो गई है। इसके आगे है साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसमें 585 वैकेंसी थी, जो कि 1,949 हो गई है।
इसके बाद साउथ ईस्ट और सेंट्रल रेलवे जिसमें 1192 वैकेंसी थी और यह बढ़कर 3973 हो गई। साउथ ईस्टर्न रेलवे में 300 थी जो कि 1001 हो गई। इसके आगे सदर्न रेलवे में 218 थी तो 726 हो गई। साउथ वेस्टर्न रेलवे में 473 थी 1576 हो गई। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 219 थी तो 729 हो गई और वेस्टर्न रेलवे में 413 थी 1376 वैकेंसी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भी आप जिस जोन से भी आप अप्लाई किए हैं उसमें देख लीजिए कि कितना वैकेंसी थी और कितना यहाँ पर हो गई है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी, जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा क्योंकि इसको अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ सुटेबल लगी होगी। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।